लगातार शहर में बढ़ रही जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, शहर के यहाँ खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं अपराध को रोकने के लिए, जिस तरीके से एसपी साहब ने काम किया है, लेकिन कुछ अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे ही फाईसागर रोड निवासी जावेद, वकील नूर आलम, अब्दुल्ला और इनके साथ के जो और लोग हैं, जिन्होंने लगातार फाईसागर रोड के ऊपर अपनी गुंडागर्दी मचा रखी है, आम शहर के नागरिकों को परेशान करते हैं, वहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं उन लोगों के ऊपर दादागिरी करके उनकी ज़मीनें कब्जा करते हैं, सरकारी ज़मीनों के अंदर अपने भट्टे चला रहे हैं, और जो कि ये भट्टे अवैध हैं, वजह इसकी ये है क्योंकि आबादी क्षेत्र के अंदर जो भट्टे हैं उनसे निकलने वाला जो जहरीला धुआं है उससे आवाम को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, इन भट्टों के ऊपर लगातार अनैतिक गतिविधियाँ चलती आ रही हैं। पहले भी यहाँ पर मर्डर हो चुके हैं, एक रावत महिला का इन्हीं के परिवार में से एक व्यक्ति ने रेप करके मर्डर कर दिया था, उसको भट्टे में जला दिया गया था, जिसके अंदर उस व्यक्ति ने सज़ा भी काटी है। लेकिन ये पहला रेप केस नहीं, ऐसे चार रेप केस इनके परिवार वालों के ऊपर दर्ज हैं। भूमाफिया 307, लगातार कब्जा करना, लोगों को धमकाना, मर्डर, रेप, ऐसे अनेक इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इन लोगों के हौसले आज इसलिए बुलंद हो रखे हैं क्योंकि कुछ सरकारी तंत्र के अंदर से कुछ लोगों का इन लोगों के ऊपर शय मिली हुई है, वो लगातार इन लोगों को हमेशा संरक्षण देते हैं। मेरा आज खुला विरोध है इस बात के ऊपर कि आवाम से बढ़कर प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कोई भी नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अजमेर कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, और अभी भी जो इनके भट्टे के अंदर जो मर्डर हुआ है उस मर्डर में भी इनका कहीं ना कहीं हाथ है, इनके ऊपर पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष